राजौरी की कालाकोट में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हवलदार अब्दुल मजीद को आज हजारों नम आंखों ने अंतिम विदाई दी। भारतीय सेना की ओर से उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कालाकोट के बाजेमल में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में हवलदार अब्दुल मजीद शहीद हो गए थे। पुंछ के सीमावर्ती क्षेत्र अजोट गाँव के रहने वाले हवलदार अब्दुल मजीद के परिवार में उनके माता पिता, उनकी पत्नी, दो बेटे और एक बेटी व छोटा भाई भी है। अब्दुल मजीद ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव अजोर में पहुंचा, जहां पर हजारों की संख्या में उनके गांव व पुंछ के लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए एकत्रित हुए थे। अब्दुल मजीद भारतीय सेना की 9 पैरा स्पेशल फोर्स में तैनात थे। अब्दुल मजीद ने 2015 में भारतीय सेना ज्वाइन की थी, जिसके बाद लगातार वे कई बड़े ऑपरेशंस में अपनी अहम भूमिका निभाते रहे। शुक्रवार को उनके सम्मान में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना के बड़े अधिकारियों समेत पुलिस अधिकारी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना समेत प्रशासनिक अधिकारी और पुंछ के लोग भारी संख्या में पहुंचे थे, जहां उन्हें भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। हमारी जांबाज सेना के जांबाज वीर सैनिक चौधरी अब्दुल मजीद साहब को, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के कालाकोट के अंदर आतंकवादियों से लड़ते वीर गति प्राप्त की, पूरा देश हवलदार चौधरी अब्दुल मजीद साहब को सलाम करता है, सलूट करता है, जिन्होंने दुश्मन से जबरदस्त टक्कर ली और कालाकोट के अंदर हुई मुठभेड़ में दोनों आतंकवादियों का सफाया कर दिया। पूरा देश हवलदार चौधरी अब्दुल मजीद साहब को नमन करता है, नमन करते हैं उनके हुब्बल वतनी के जज्बे को, उनकी वतन परस्ती के जज्बे को। पूरा मुल्क सलूट करता है हवलदार अब्दुल मजीद साहब के उस वीरता को, बहादुरी को, जो उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते दिखाई और वीरगति को प्राप्त हो गए शहीद।